हेलो दोस्तों, आज हम दिखाएंगे कि मतलब ये थ्री फेज का चेंजओवर मतलब किस तरह इसका कनेक्शन किया जाता है। तो ये है हमारा थ्री फेज का चेंजओवर, ठीक है। तो इसको हम अभी हम खोल के हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपका कवर है, इसका सेफ्टी के लिए रखा जाता है। सॉरी, लाइट को काटा नहीं था। ऊपर वालों को भी खोल लेता हूँ जल्दी से जल्दी। जैसे कि हम इसका पहले से वायरिंग हम करके रखा था, तो सोचा है थोड़ा वीडियो बना लेगा इसका। हाँ दोस्तों, ये हमारा थ्री फेज का चेंजओवर है, ठीक है। कभी भी देखिए, मतलब थ्री फेज का चेंजओवर डालते समय हर चीज़ का महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अगर एक भी तारे इधर का उधर हो गया तो कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट कर सकता है। तो कभी भी आपको ये जानना है कि इसमें लोड कौन सा है और मतलब आउटपुट कौन सा है और इनपुट कौन सा है और लोड कौन सा है। सबसे पहले ये जानेंगे, ये जो आपका जो थिम्बल दिख रहा है, ये आपका इनपुट है और ये भी आपका इनपुट है। और ये जो ब्लेड जो शॉर्ट किया गया है, ये वाला, ये और ये, ये और ये आपका लोड का है। इसको इसमें कभी भी जो ब्लेड शॉर्ट रहता है, इसमें कभी भी लोड का सप्लाई दिया जाता है। जैसे कि जो घर में आपका सप्लाई अगर जा रहा है उसमें दिया जाता है ये वाला सप्लाई को। और ये जो थिम्बल है, ये आपका चाहे जनरेटर का इसको बना लीजिए चाहे लाइट का बना लीजिए, ठीक है। अगर लाइट का इसमें दे रहा है तो जनरेटर का इसमें दिया जाता है, जनरेटर का इसमें दिया जाता है। एक फेस इसमें रहेगा, दूसरा फेस इसमें रहेगा, तीसरा फेस इसमें रहेगा और न्यूट्रल इसमें रहेगा। जैसे कि आपका पूरा जैसे कि कलर वाइज दिया है, ब्लैक वायर न्यूट्रल इसमें आ जाएगा, ब्लू वाला वायर इसमें आ जाएगा, येलो वाला वायर इसमें आ जाएगा और रेड वाला वायर इसमें आ जाएगा। तो इसी तरह जनरेटर का सप्लाई किया जाता है। जो आपका सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन वाला हम इसमें ज्वाइंट किया है रेड वाले में, येलो वाला ये वाला थिम्बल हो गया और ब्लू वाला ये वाला थिम्बल हो गया और यहाँ पर न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अगर हम इसको सप्लाई को चालू कर रहे हैं, अभी जैसे कि लाइट नहीं है, जैसे कि हम रेड वाले को इसमें सप्लाई दिया है तो ये तो लोड हो गया। तो यहाँ से अगर मान ली इसमें अगर करंट है तो यहाँ से बाईपास होके इसमें आ जाएगा, तो ये आपका आउटपुट पास कर देगा बिल्डिंग में। सेम इसी तरह ये भी है, यहाँ से पास करके इसमें आएगा, यहाँ से पास कर देगा घर में। इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी न्यूट्रल इधर पास करके इसमें। और सेम आपका अगर मान लीजिए इसमें हम लाइट का सप्लाई दिए हैं सर्विस लाइन, तो जनरेटर का भी उसी तरह होगा, जनरेटर का भी इसी तरह है। जैसे कि एक फेस इसमें दे देंगे, दूसरा फेस इसमें दे देंगे, तीसरा फेस इसमें देंगे और न्यूट्रल को इसमें दे देंगे। तो वही अगर मान लीजिए इसमें सप्लाई दिया गया तो इसमें से कन्वर्ट होकर इसमें आ जाएगा, ये आपका चला गया लोड। और इसमें से कन्वर्ट होकर इसमें चला गया लोड। बस वो इसी तरह ये चेंजओवर का वायरिंग किया जाता है। और बीच में कट करेंगे तो आपका कट हो जाएगा, ठीक है। कि तो वही है, जैसे कि आपका सप्लाई अगर डीजी की सप्लाई इसमें है तो यहाँ पे किए हैं, तो आपका सर सप्लाई केवल डीजी का यही तक है, इसमें पास नहीं होगा। और लाइट का सप्लाई इसमें रह जाएगा, इसमें पास नहीं होगा। यह आपका डीजी की सप्लाई है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।